सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाला। आई होप यू ऑल आर फीलिंग फाइन। कैसे हो आप सब लोग भाई? देखो वेलपिंग बॉक्स तैयार तो हो गया है। सो ये थी कोनी, कोनी बेटू, ठीक है। और ये देखो, ये है वेलपिंग बॉक्स। ये अभी पेंट नहीं हुआ हुआ है, पेंट करेंगे बट अपने इस बार नहीं कर पाया मैं। और इसके नीचे हमने ट्रे लगाई हुई है ताकि बेस प्रॉपर बन जाए, और सुसु वगैरह करे बच्चे तो वो नीचे से चला जाएंगे, बच्चे गंदे ना हो। और ये देखो ये नहीं जगह, यहाँ पे ये बिछाई हुई है। और कोनी अपने आप ही अंदर चली जाती है। कोनी आ जा, अंदर आ जा ना। अब इसका मन नहीं है, जैसा इसका मन करता है वैसे ही रहती है ये। और यहाँ पे हमने अभी तो फैन चलाए हुए हैं क्योंकि इस टाइम रूम ठंडा है, 27 के आसपास है टेम्परेचर, मतलब दोपहर का टाइम ज़्यादा होगा। सो मैं ये पंखे बंद करके और सिर्फ एसी को 27 पे सेट करके छोड़ दूंगा। और जो इसकी जो स्विंग वाली मोड है वो डायरेक्ट बच्चों के या वेलबिंग बॉक्स पे नहीं करेंगे, वो नीचे कर दूंगा या सबसे ऊपर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं ना थोड़ा लेट हो गया उठने में और मम्मी मुझे फुल डांट मारेगी और मैं नीचे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मम्मी ना 7:15 भी इस पर जाती है। तो मैं सोचा चले जाए उसके बाद में जाऊंगा। मुझे लग रहा है मैं आज फुल ठुकूंगा भाई, क्योंकि मुझे ना 6:30 बजे उठना होता है सुबह, बता दूंगा यार उठते उठते 7 बज गए। तो मुझे यार फुल तो इस चक्कर में ना मैं नीचे ही नहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं ऊपर से देखते हैं, ठीक है। मम्मी गई नहीं है क्योंकि ये देख एक्टिवा यहाँ खड़ी है ना, ये खड़ी है अपनी एक्टिवा, ये तो इसका मतलब मम्मी गई नहीं है। और वो तो आंटी है और हमारी कोनी मैडम ये बैठी है। अरे कोनी ना अभी मैं जब उठ के चलने लगा तो कोनी ऐसे कूद के चली गई, मतलब कि इसको बाहर घूमने जाना। यार तो मैडम रुकी नहीं, फुल वो है एक्टिव पता नहीं क्या है सीन इसका, मुझे कुछ दिखता। हाँ दिखा चलना सर। और ये चादर लगा दिया मैं अभी, ये खुद ही खराब करके आ जाती है, अंदर जाती है 2 मिनट फिर उल्टी बाहर आ जाती है। सो ये कोनी थोड़ा आ गया ऊपर। थोरू तू ऊपर क्यों आया है? थोरू तू ऊपर क्यों आया है भाई? थोरू क्या कर रहा है तू? मम्मी को पता चल जाएगा यार। तुम्हें जमा फंसो अभी ऊपर आ गया, इसको नीचे छोड़ने जाना है। एक बार कोनी को अंदर करता हूँ। कोनी कोनी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा बेटी। ऊपर क्यों आया है? ऊपर क्यों आया है? नीचे चल, नीचे चल। चले जाए तो मैं जाऊंगा। मैं फुल गुस्सा में था। तो आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ भाई तेरे को सुसु कराने। मम्मी बाय। सो दोस्तों मम्मी और गए तो अब जाके शांति से नीचे बैठूंगा। मैं अपने अब फ्रूट्स और एक कुकुम्बर लिया हुआ है, ये खाता हूँ मैं, खा लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर थोरी को घुमाने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको कहा था कि थोरी को घुमाने लेके चलते हैं, पता अभी क्या हुआ, मैं ना इसको 3 दिनों से जो ना वहाँ से पीछे से ही घुमा लेता हूँ, जो अपने ग्रीन बेल्ट है वहाँ से ही ले जाता हूँ उल्टा। तो आज मैंने इसे कहा कि भाई थोरू चले, थोड़ा मन में कहता हुआ मुझे यार बेशरम आदमी आज तो ले चल घुमाने के लिए। तो फिर आज इसको घुमाने के लिए मैं लंबे रूट पे ले आया हूँ थोरू। लिटरली मैं आया तो यूं ही था, मैं चप्पल पहन के आया हूँ कि मतलब हाँ पीछे जाके जल्दी से इसको सुसु पोटी करा के आ जाऊँगा, बट फिर भाई साहब ने मुझे ऐसा लुक दिया तो फिर मेरे को जाना पड़ा। थोरू थोरू मैं जरूर से आएगा। देखो हमारा स्टार बॉय छाती देखो लौटे की चले चल। भाई हमारे पास ब्रूनो आया ट्रेनिंग सेशन के लिए और ये काम नहीं रहे, हवा से इसके बाल उठ रहे ऐसे। सो ब्रूनो आज ब्रूनो का फर्स्ट डे है और ये ब्रूनो भाग गया। प्यारा बच्चा है छोटू सा। अरे ये बेट तो है वो नहीं। तो फिर ये होते हैं टॉय बॉम, ओरिजिनल जो पोमेरियन होते हैं ना यही होते हैं। सो अभी से थोड़ी देर ना कंफर्टेबल करते हैं क्योंकि ये अभी जस्ट अभी अभी आया है। सो ये अब हमारा स्टूडेंट है। इसकी ट्रिक्स मतलब इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, 3 महीने का कोर्स होता है। अगर आप लोगों को भी करवानी है तो पेटवर्सिटी का नंबर है उधर कॉल कर सकते हो, कोई हिसाब से दूर है तो वो अपने हॉस्टल फैसिलिटी में भी छोड़ सकता है। वैसे ये फतेहाबाद से आया और डेली अप डाउन हो गई है, देख लो आप
क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बेटी घर में इसके अलावा मतलब इसके बगैर रह नहीं सकती, जैसे मेरी मम्मी थोर के बगैर नहीं रह सकती। सो चलो हम इसको थोड़ा कंफर्टेबल कर लेते हैं। तो दोस्तों शाम का अपडेट देते हैं फार्म का। सो अभी मैंने इना मीना इनकी ग्रूमिंग करी है और कूजो की भी आज ग्रूमिंग हुई है। यार कूजो कई दिन से, इसका जो ये पट्टा था ना उतारा ही नहीं हुआ था अभी तक, बट इसको आज उतार के प्रॉपर तरीके से इसकी भी ग्रूमिंग करी है। आपको ब्रश दिखाता हूँ, ये देखो इस वाले ब्रश से खुशी की हुई थी और इससे इना मीना की हुई है और थोर वाले बेबी की भी इससे ही हुई है। सो ये देखो ये रहा हमारा कूजो, मेरा बेटू छोटा सा है। कूजो खुश है तू? कूजो तो फुल मजे में रहता है। और नहीं कूजो चलो चलो अंदर चलो, अभी खेल के आए हैं ना तू। और ये रही हमारी गैंग, पपी गैंग। इन दोनों की ग्रूमिंग करी है, ये थोड़े दिनों में सेट हो जाएंगे। जैसे अभी देखो इसके इना के बाल बिल्कुल अलग से दिखने लग रहे हैं ना, ये देखो साइडों में से देख सकते हो इना। और ये हमारी खुशी बेटी ना खुशी, और ये थोर का बेबी है भाई। सो हाँ, अगर थोर का बेबी आपको चाहिए तो आप पेडोवेस्टी के नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप इसे ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है भाई, इसके बोन साइज देखो, सब चीज़ देख सकते हो। सो दोस्तों अभी ना हम हंट पे गए थे, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो डिस्टर्बिंग हो सकता था आप लोगों के लिए, किसी के लिए, कईयों के लिए। जैसे हम ना फिश मार्केट में गए थे जो खाने वाली फिश होती है, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मेरे डॉग्स को फिश खिलाऊं। सो मैं अंदाजा लेने गया था कि कैसा क्या सीन होता है, मुझे ये भी नहीं पता था हिसार में फिश मार्केट भी है। तो मोहित भाई साहब कहते कि भाई है तो बता बता कैसी है। तो भाई है भाई फुल, और मतलब मैनेज्ड सिस्टम है, कोई भी यूं नहीं है कि मतलब गंदगी वगैरह, प्रॉपर तरीके से मैनेज है सारा सिस्टम। सो मैं वो देख के आया और अभी कुछ दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मतलब फीड कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ डॉग्स के खाने में, जिससे मतलब और अच्छा रिजल्ट आए। और रॉक्स लेके आए हैं भाई, लावर रॉक्स है, एक्वेरियम सेटअप हो रहा है हमारे पेट डाइवर्सिटी फार्म से, पहला एक्वेरियम सेट हो रहा है जो अपना ये वाटरफॉल टैंक है वो वाला। सो वो मोहित के घर पे हो रहा है, तो उसके लिए हम अपने पौधे वगैरह लेके आए थे। मतलब लावर रॉक्स आ गए हैं, दूसरे वाले रॉक्स भी आ गए हैं। सो ये देखो देख सकते हो आप, ये सब खाना खा रहे भाई, सब खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों ये है ना, आज नेक्स्ट सुबह है, तो कल वाले मतलब इससे पहले वाले दिन में आपने देखा था कि मम्मी मेरे को फुल गुस्सा कर रही थी, तो आज मम्मी गुस्सा नहीं है क्योंकि मैं टाइम पे नीचे आ गया, थोड़े मम्मी से बात कर। कैसा फील हुआ था मम्मी? बहुत बुरा। मैं तो जान बुझ के नीचे नहीं आया, मुझे पता था। मम्मी चलो फिर अब आपके फैमिली व्लॉग्स आ रहे हैं, तो फैमिली लोग जा रहे हैं, तो भाई इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को यार, कर दो बनता है यार। सो कोनी बिल्कुल आराम से रह रही है भाई, कोनी की फेवरेट स्पेस पता है कौन सी है? ऐसा नहीं है कि वो वेल्पिंग बॉक्स के अंदर नहीं जाती, वो हर बार जाती है। अभी देख सकते हो ये सारी खराब करी हुई है, बट इसकी फेवरेट स्पॉट है मेरे पास सोती है, जैसे मैं यहाँ सोता हूँ तो ये यहाँ सोती है। और भाई अब देखो होप करो, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब लोग दुआ करो सब चीज सही रहे, है ना। तो जरूर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, जरूर व्लॉग्स कंटिन्यू रखूंगा अगर कोनी के अच्छी तरीके से बच्चे हो जाते हैं। तो कुछ भी नहीं पता होता यार कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, सब चीज बट होप करते हैं आप सब चीज सही रहे, है ना। और आप सब लोग दुआ करोगे क्योंकि मैंने एक्सरे वगैरह भी नहीं कराया इसका, अभी जो होगा यार सामने आ जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। और आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं आपके साथ एक एक जर्नी, एक एक पॉइंट, एक एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे दबा दो यार, जल्दी जल्दी 1,40,000 करते हैं। आप लोग भी इस चीज को जिम्मेवारी लेके चलो और वीडियोस को हमारे ना वॉच टाइम थोड़ा लंबा रखो यार, अपने ना वीडियोस को पूरा देखा करो। अगर आपने यहां तक व्लॉग देखा है ना तो मैं मान जाऊंगा कि आप हमारे मतलब रियल में एक फैमिली मेंबर हो, ठीक है। यू नहीं कि यार एक मिनट दो मिनट देख के चले जाते हो, मुझे पता आप बहुत सारे लोग पूरा पूरा व्लॉग देखते, तो कोशिश करा करो पूरा व्लॉग देखो यार। एक एक चीज मैं बताता हूँ, और ज्यादा बड़े व्लॉग्स भी नहीं रख रहा मैं, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में व्लॉग रखूंगा ताकि आप पूरा देख पाओ, है ना। सो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में मिलेंगे।